बार ये आप सभी की टीवीएस जुपिटर 125 जो कि आज के डेट बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा है, तो कंपनी ने फाइनली कर दिया 4 अक्टूबर को ये गाड़ी लॉन्च होती है, वो आपको दिख जाएगी। 4 अक्टूबर को इसकी प्राइसिंग और सारी चीज़ें आउट हो जाएंगी। उससे पहले हो सकता है 2-3 दिन बाद आपको इसका टीजर निकलते हुए दिख जाए, आपको इसकी ओनली टीजर देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन गाड़ी लेके आ सकती है, क्या कुछ इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग होने वाली है, आज आपको हम इस वीडियो में इस तरह पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे जो लोग हमारे पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट ऐसे ही कवर करते हैं और आप सभी को सबसे पहले अप टू डेट करते हैं। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर जाना चाहेंगे 125cc आज की डेट में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट बन चुका है। अगर आप देख लें बाइक में भी, तो बाइक में भी हाल ही में टीवीएस ने अपनी ऑल न्यू बाइक लॉन्च की जिसका नाम है टीवीएस रेडर, जिसका अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस बना हुआ है। उसके साथ ही साथ 125cc सेगमेंट जो है स्कूटर्स में अगर रहेंगे तो सुजुकी एक्सेस ने पूरा कवर किया हुआ, उसके साथ ही साथ आपकी एक्टिवा 125 ने कवर किया हुआ है। क्योंकि वो जो सेगमेंट है वो देख सकते हैं, अगर फैमिली सेगमेंट चाहिए तो फैमिली सेगमेंट में कोई भी आपको स्कूटर देखने को नहीं मिल जाती है टीवीएस कंपनी तरफ से। टीवीएस कंपनी की तरफ से आपको पेप देखने को मिलती है, साथ में जुपिटर देखने को मिलती है 110cc में, फिर 125cc सेगमेंट में आपको टीवीएस एंटॉर्क देखने को मिलती है जो कि कॉम्पीट करती है बर्गमैन से करती है, उसके बाद ग्राजिया से करती है। तो उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, ना ही सुजुकी एक्सेस से और ना ही 125 से, क्योंकि जो इनकी टीवीएस एंटॉर्क है वो अच्छा माइलेज निकाल के नहीं दे पाती है। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज वहाँ देखने को मिल जाता है, इसलिए कंपनी प्लानिंग कर रही है फैमिली गाड़ी के लिए। तो बिल्कुल जुपिटर 125 आने के भी पूरे चांसेस बन चुके हैं और जुपिटर वो आपको 125 4 अक्टूबर तक लॉन्च होते हुए दिख भी जाएगी। हो सकता है उसके पहले उसका टीजर बिल्कुल आउट कर दे सकती है कंपनी और दिवाली धनतेरस तक वो सारे शोरूम्स में अवेलेबल भी करा देगी, जो कि बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। उसके साथ बात करें क्या कुछ फीचर्स एंड स्पेक्स लेके आने वाली गाड़ी, 124cc का BSS कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाएगा, ETFI देखने को मिलेगा। उसके साथ बात करेंगे तो लगभग 9 PS तक की पावर देखने को मिल जाएगी और 8.9 Nm तक का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत जो इसके पावर स्पेक्स है वो आपको टीवीएस एंटॉर्क से कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि टीवीएस एंटॉर्क थोड़ा जो हैवी इंजन है उसमें आपको थोड़ा थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो माइलेज आपको कम निकाल के देती है। लेकिन जो आपको जुपिटर का इंजन में आएगा वो आपको फ्यूल इफिशियंसी इंजन में आएगा, ताकि आपको लगभग 40 से 45 का माइलेज बहुत ईजी देखने को मिल जाए, जहाँ पे कि टीवीएस एंटॉर्क फेल हो जाती है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी से जाएगा। उसके साथ आपको फ्रंट में 12 इंचेस वाले एलॉय देखने को मिल जाएंगे, बैक में आपको 10 इंचेस के टायर देखने को मिलेंगे, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आएगा और बैक में हाइड्रोलिक आएगा। जुपिटर की बहुत अच्छी बैचिंग आपको देखने को मिल जाएगी बैक और फ्रंट दोनों ही साइड में। आपको LED हेडलैम्प LED DRS बिल्कुल कन्फर्म आपके रहने वाले हैं और बैक में आपको LED टेल लैम्प भी देखने को मिल सकता है। पूरे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आपको 110cc बेटर बनाना है, तो बिल्कुल आपको बैक में भी LED टेल लैम्प बिल्कुल कंपनी प्रोवाइड करेगी। बाकी जो गाड़ी फ्रंट से लुक निकल जाएगी थोड़ा इससे शार्पर और थोड़ा इससे बेहतर आएगी, क्योंकि आपकी 110cc गाड़ी है तो थोड़ा जो कंपनी है उसका लेंथ भी इंक्रीज करेगी ताकि सीट में ज़्यादा स्पेस देखने को मिले, क्योंकि 125cc सेगमेंट है तो थोड़ा बहुत पावर अच्छा रहेगा, तो उसमें आप 3 लोगों को भी बैठा के गाड़ी चला पाएंगे। तो ये एक बड़ा बेटर ऑप्शन रहने वाला इस गाड़ी के साथ। उसके बाद क्या कुछ प्राइसिंग इसकी रहने वाली है, प्राइसिंग भी बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। टोटल आपको इसमें 3 मॉडल आने के चांसेस है, पहले आपको एक एलॉय आएगा और डिस्क आएगा, उसके बाद कंपनी बिल्कुल 2 से 3 हज़ार प्राइस करके सीट मेटल भी ले आएगी। जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 75,000 रुपीज़ एक्स शोरूम एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है। अगर हम बात करें क्या कुछ रेंज इसका आना चाहिए, तो देखिए इसकी जो नॉर्मल सीट मेटल वाली है 90,000 के आसपास ऑन रोड आएगी। ड्रम की बात करें ड्रम आपको लगभग 94-95 के आसपास ऑन रोड आएगी, और जो इसकी डिस्क रहेगी टॉप एंड वेरिएंट है वो आपको 1 लाख के आसपास रेस्ट करेगी, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से एडवांस फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी आपको कंपनी बिल्कुल ऑफर कर सकती है ब्लूटूथ वाली। उसके साथ ही साथ उसमें गूगल नेविगेशन मैप का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और बात करेंगे तो आपको उसमें से रियल टाइम माइलेज फ्यूल एफिशिएंसी ये सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी से जाएगा। हो सकता है आपको इसमें इंजन स्टार्ट और स्टॉप का एक डेडिकेटेड स्विच भी कंपनी प्रोवाइड कर दे, नहीं तो आपको जैसे इसमें स्विच देखने को मिला है जो टीवीएस रेडर में वैसा आपको स्विच प्रोवाइड कर सकती है इको और पावर मोड वाला, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी से जाएगा। तो बाकी यही कुछ रहने वाले इसके फीचर्स एंड स्पेक्स जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये गाड़ी जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो बिल्कुल जो लोग वेट कर रहे हैं 1 हफ्ते और वेट कर सकते हैं, 4 अक्टूबर तक आपको ये गाड़ी लॉन्च होती दिख जाएगी। जो कंफर्म डेट कंपनी बता रही है वो 4 अक्टूबर तक आपको लॉन्च हो जाएगी गाड़ी। उसके पहले हो सकता है आपको 2-4 दिन में इसके टीजर्स भी देखने को मिल जाएं, बाकी 4 अक्टूबर को आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। तो होप करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर अगर हमारे पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएं, कि रोज़ाना आप सभी के लिए हम ऐसी लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और रोज़ाना वीडियो लेके आते हैं। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को भी अधिक से अधिक को शेयर करिएगा ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके जो लोग भी जानना चाहते हैं जुपिटर 125 के बारे में, क्योंकि बहुत अच्छी डिमांडिंग स्कूटर है। 110cc में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बना हुआ है और कंपनी 125cc में स्विच कर रही है ताकि आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे दे और आपको अच्छा रिस्पॉन्स देने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। और अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेरी हो तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हैं फास्ट रिप्लाई के लिए, बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा। थैंक यू।